नेक्स्ट क्वेश्चन इट से इट इज़ टू सिक्सटी किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड थ्री ट्वेंटी किलोमीटर बाय रोड एंड एरोप्लेन टेक्स थर्टी मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची वेर हैज डिलक्स बस टेक्स एट आवर्स सवाल है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन एवरेज स्पीड ऑफ द बस एवरेज वेलासिटी ऑफ द प्लेन एंड एवरेज वैलासिटी ऑफ द बस नाउ सवाल सिंपल है थोड़े से यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सवाल से अपने सो so, ये अपना मान लीजिए लोकेशन है पटना यहाँ से हम जा रहे हैं आ, ये आपकी दूसरी लोकेशन है रांची सो so, जब हमने इसको आ, डिस्टेंस को कवर करने के लिए हवाई जहाज़ लिया वेन वी टू का एरोप्लेन सो यहाँ पे जो अपना डिस्टेंस आया वो आया आ, 260 किलोमीटर और ये डिस्टेंस हमने कवर किया 30 मिनट्स में हालाइट जब यहाँ से बस वाला रूट लिया गया सो so बस वाले रूट में आपका 320 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्चुअली कवर हुआ और ये करने में आपको लगे एट आवर्स का टाइम Right? अब हमें यहाँ से यहाँ तक बताना है कि दोनों की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दोनों जर्नी की ना अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है उसका आ, पहले प्लेन की बात कर लेते हैं सो जो आपका प्लेन होएगा उसकी एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन सो इसको आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ ट्रेवल किया 260 सिक्सटी डिवाइडेड बाई टाइम अपने को लगाया जीरो पॉइंट फाइव आवर्स सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी फाइव ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर ये अपना स्पीड हो गई प्लेन की नाउ इसी स्पीड की अगर हम बात करें बस के लिए तो बस के लिए जब हम स्पीड की बात करेंगे फिर हम वो कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन सो ये हो जाएगा आपका थ्री ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एट इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी फोर्टी किलोमीटर पर आवर Uh, ये हो गई आपकी एवरेज uh, स्पीड uh, इसी के बाद हम बात करें अपने वेलोसिटी uh, की सो so, यहाँ पे जो वेलोसिटी होएगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वेलोसिटी जब आएगी प्लेन की जब वेलोसिटी लिखेंगे सो अगेन मैग्नीट्यूड की यहाँ बात हो रही है सो so, इसका आपका डिस्प्लेसमेंट इसको लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो मिनिमम डिस्टेंस लेट्स अज्यूम के आपका एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में जो मिनिमम डिस्टेंस है या जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसको ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय 0.5 सो ये आ जाएगा आपका 520 किलोमीटर 520 पर आर और इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पटना टू रांची सो बिकॉज डायरेक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राइट right? ना इसके बाद हम वेलोसिटी की बात करें बस के लिए तो बस के लिए बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ना हो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिखेंगे 260 डिवाइडेड बाय टाइम आपका 8 आवर्स ना यहाँ पे हमने 260 क्यों लिया 320 जो है वो आपका डिस्टेंस uh, ट्रेवल्ड है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेट डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है तो यहाँ पर हम इसको टू ही यूज़ करेंगे ना इफ़ दैट इज द केस इसको uh, एक बार हम डिवाइड जब करेंगे सो so, मेरा ख्याल है ये 32.5 किलोमीटर पर आवर इसकी वैल्यू आती है सो so, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होएगी आ, बस की और इसकी अगेन डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसको डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो लिखेंगे आप फ्रॉम पटना टू रांची ये आपकी डायरेक्शन होएगी